अगर हम आज़ादी की पहली लड़ाई कब की गई इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 1857 का विद्रोह याद आता है जो मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी विद्रोह के 85 साल पहले शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्ला अलैह ने जिहाद का फतवा दिया। इस फतवे में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तानियों को लड़ने के लिए कहा और इस फतवे में उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ यहाँ पर सिर्फ तिजारत सजाने के तौर पर या तिजारत चमकाने के तौर पर या सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं, ये अंग्रेज़ इस देश को हथियाना चाहते हैं, ये अंग्रेज़ अपना कल्चर अपनी संस्कृति इस देश पर थोपना चाहते हैं। इस फतवे का ये असर रहा कि हर हिंदुस्तानी के दिल में एक आज़ादी की लौ पैदा हुई और उसके बाद जो भी आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई गई जैसे रेशमी रुमाल तहरीक आज़ादी जैसे तहरीकें चलाई गई और ये तहरीकें उसी फतवे का नतीजा थी जो 1772 में शाह अब्दुल अजीज़ ने दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ़। हालांकि शाह अब्दुल अजीज़ के फतवे के पहले भी उनके फतवे से पहले भी आज़ादी के लिए जंगें हो चुकी है जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी